क्लासेस ऐसा नहीं चलाते हो, मतलब दे आर जनरली प्रोफेशनल, बट उनको भी क्या है बॉलीवुड के प्रति बहुत टेलीवुड के प्रति एक इंटरेस्ट आता है कि वहाँ कैसे मेकअप होता है, कैसे स्टाइलिंग होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है। तो मैंने चूँकि जो अलवा हमारा आया है शिवाद्या इवेंशन एंटरटेनमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका मेन मोटो ही है कि नए बच्चों को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। तो हमारा ये जो क्लासेस भी हमने इसलिए ऑर्गेनाइज मैंने शुरू किया है ऑर्गेनाइजेशन, इसका कि बच्चों को आइडिया लगे, महिलाओं को आइडिया लगे कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होती है, किस तरह से पढ़ने के पीछे काम होता है। लेकिन जो दुनिया जितनी रंगीन लगती है उसके पीछे का जो एक स्ट्रगल है, जो भी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली बेसिकली ये वुमन एम्पावरमेंट से संबंधित है और बच्चों के लिए काम करना है। टू डेज की भी होगी हमारी मास्टर क्लासेस, वन वीक की भी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट जहाँ आए। एक्सपर्ट के साथ साथ टीवी सेलिब्रिटीज भी हमारे साथ होंगे या फिल्म सेलिब्रिटीज होंगे। ओके, इफ यू थ्री ऑफ थ्री कैन टेल अस अबाउट योर एसोसिएशन विद सी आई जो वर्ड स्पीक मी टू स्पीक इन हिंदी और इन इंग्लिश। ओलवा फैशन वीक के वक्त हम संगीता जी से, सॉरी आराध्या जी से, ओलवा फैशन रनवे के वक्त हम एसोसिएटेड हुए थे आराध्या जी के साथ। एंड उससे भी पहले से हम एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक्चुअल काम करते वक्त इन्हें हमने पहली बार उस वक्त देखा था और बड़े मुतासर हुए थे इनके काम से कि किस तरीके से ये अपने काम को अंजाम दे रही थी। एंड फिर हम लोग डिस्कशन हुई इस बारे में कि क्यों ना हम कुछ और चीज़ें कर सकें। तो उनकी आइडियाज़ और इनकी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगी। सो जहाँ ये जो कुछ भी करेंगे उनमें उस हमारा साथ रहेगा। एंड नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से लोगों में ख्वाहिशें बहुत सी होती हैं चीज़ें जानने की, लेकिन उनके उन तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, पहुँचती भी है तो सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। तो चूँकि हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये खुद काम करती हैं, इनका कमिटमेंट के बारे में भी हमें पता है, इसलिए इनके साथ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। हमें पता है कि जो चीज़ जो भी कुछ काम किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाएगा, वो बड़े मन से, शिद्दत के साथ और सच्चाई से पहुँचाया जाएगा, इसलिए हम यहाँ जुड़े हैं। सो मैं इनको एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली थी। एंड टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद एक न्यू कमर थी जब मुझे एक किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था, एक ब्रेक दिया था। मेरा प्राइमरी रीज़न इसको सपोर्ट करने का ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत काबिल हो सकते हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के बिना कुछ भी नहीं हो। सो आई थिंक किसी को प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप के बिना हम अपना टैलेंट किसी को दिखाई नहीं सकते। तो कभी किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। एंड आज मेरी सहेली एंड समडे आई लुक अप टू इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू नॉट वन पर्सन बट टू मल्टीपल पीपल। और एक चीज़ में नहीं, पूरा एक यू नो फ्रॉम डिजाइनिंग टू ग्रूमिंग टू बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो आई डोंट थिंक यू नो कोई इतना यू नो दिल से जो चीज़ों के पीछे वो खुद भागना चाहते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के यू नो किसी और को प्लेटफॉर्म देने का सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट। मैं आपका इनकम कर रही हूं, मैं इनका साथ क्यों दे रही हूं। मैं खुद एक बहुत ही छोटी सी जगह से आती हूं, अहरौरा, जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। बनारस का नाम सब लोग जानते हैं, कुछ बनारस से बहुत इंटीरियर वे है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, जहाँ पे हमें लाइट्स नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सपने देखे कि मुझे एक जगह पे पहुँचना है। तो जब हम सपने देखते हैं तो हमें रास्ता भी मिलता है। और जब आराध्या जी ने ये चीज़ शेयर किया कि वो न्यू कमर्स को, छोटे जगह से आने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है, तो मुझे लगा, मुझे मेरे दिन याद आया और मुझे लगा कि मुझे इसे ज़रूर जुड़ना चाहिए और नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए एक सही जगह पे पहुंचने के लिए। आराध्या, कुछ वर्कशॉप भी होने वाले हैं शायद, इसमें भी मालूम पड़े, उसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ होने वाले हैं और कब। जैसे अभी तो डेट्स हमारे फाइनल नहीं है, मैंने पहले भी वर्कशॉप किए हैं, मैंने 15 डेज में आपको 3 आवर्स का
कोर्स पढ़ाया बच्चों को, जैसे मैं इससे निफ्ट से बच्चे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो उनको कुछ भी जो मैंने सिखाया 15 डेज में उनको स्टाइलिंग, उसके अलावा डिजाइनिंग, मेकअप क्लासेस 15 डेज में दिया, साथ में छोटा सा फैशन शो भी दिया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें 3 साल में भी नहीं पढ़ा मैम जितना आपने 15 डेज में पढ़ा दिया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम आपकी जो क्लासेस वापस कब होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो आजकल पढ़ना चाहते हैं, आज इतने पैसे लिए जाते हैं उनसे अलग अलग, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है, ब्रांडिंग के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं वो गलत लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ब्रांडिंग अपनी करो, लेकिन जितना आप लेते हो बच्चों से उतना उनको दो। नहीं मिलता उनको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंटर्न की रिक्वायरमेंट आती है। हम इंटर्न को देखते हैं 3-3 साल का कोर्स करके आते हैं, उनको फैब्रिक्स का नॉलेज नहीं है, उनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि एज ए डिज़ाइनर मैं भी 20 ईयर से काम कर रही हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, मुंबई आना और यहाँ अपना एस्टेब्लिशमेंट करना, खुद से एस्टेब्लिशमेंट करना, तो जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ फैशन रनवे का एक सपना देखा मैंने, जहाँ अलग अलग शहर से, छोटे छोटे शहर से, क्योंकि जैसे ही फैशन शो की बात आती है ना, लोग सोचते हैं कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़ा स्टेज है, और चूँकि जितने भी फेमस शोज हैं सब में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती अगर बड़े फैशन शोज की बात देखती हूँ। तो वैसी स्थिति में क्या कि हमें कुछ करना चाहिए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो हमें ज़रूर उन बच्चों के लिए करना चाहिए जो बच्चे आना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है। अभी जो हमारे जो डिनर हुई थी, इतने अच्छे डिजाइन थे, मैं पिछला बाकायदा बताना चाहूँगी, सेलिब्रिटीज आए थे, पहली बार हमने सारे सेलिब्रिटीज ने बैठ के शो देखा, पूरा शो देखा। जनरली आते हैं आधे घंटे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने देखा, क्योंकि वास्तव में टैलेंट उन्हें नजर आया, चीजें नजर आई। आज जया जी हैं या श्वेता है, ये क्लीन भारत, स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर या जिया है, ये लोग बेसिकली मेरे को इसलिए सपोर्ट करते कि मेरे अंदर भी ख्वाहिश है कि जैसे मैं बनी हूँ, मेरे जैसे हजारों बने, लाखों बने, और उनके अंदर जो स्ट्रगल है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, सही पे मिले। क्योंकि हम लोग भी ठगे गए थे मुंबई में, सब जानते हैं कि मुंबई नगरी जो है वो ठगती है, तो हम लोग भी ठगे गए थे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो मुंबई आए वो ठगे जाए। तो ये वर्कशॉप्स कहाँ होगी, मुंबई में होगी कि आउट ऑफ मुंबई होगी, कि रूरल एरियाज में जाके उनके सिटीज में होगी वर्कशॉप्स? हर जगह, आप तो अभी मुंबई, सूरत या जहाँ जहाँ हमारी मेरी शो लाइनअप है, जैसे अभी दिल्ली में हमारा शो होने वाला 22 तारीख सितंबर को सूरत में है, जहाँ से मैं बड़े कैसे शो के ऊपर जा रही हूँ। तो बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो मुझे सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरी आंखों में, मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि मुझे वास्तव में करना है। और जितने भी इंडिया के हर कोने में पहुँचना चाहते हैं, हर गली हर चौराहे पर पहुँचना चाहते हैं, जिन माने जहाँ टैलेंट है, जहाँ लोगों को कुछ चाहिए, जिन्हें मुंबई आना, तो एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। नहीं, वर्कशॉप कहाँ करेंगे आप? ये वर्कशॉप कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी हमें एज एन वो लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं मोस्टली कि भाई मुंबई आके ही वर्कशॉप करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगहों पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ें और सीखना चाहते हैं, तो सीखने में कहीं किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का पात्र होता है उसे गढ़ा जाता है, जो गढ़ने को तैयार है वहाँ पे हम जाने को तैयार हैं। मुंबई हर कोई आके रह के नहीं कर सकता है, कुछ कुछ, जैसे हम भी किसी वक्त कोरे थे, हमें भी सिखाया गया था कि दो पैसा साइड राइट हो, दो पैसा इधर हटो, बेबी का मुंडी काटो, हम डर गए थे, अरे बाप रे बेबी का मुंडी काटो तो इस तरह की जो बेसिक नॉलेजेस हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट हैंड नॉलेज एक हम तो खैर काम करते करते सीखे, और हमें बहुत अच्छे गुरु मिले जिन्होंने बड़े पेशेंटली हमें सिखाया, लेकिन आज वो वक्त नहीं है किसी के पास। आज की तारीख में आपको वहाँ आना है और डिलीवर करना है और चले जाना है, तो उसके लिए, वो डिलीवरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, वरना आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप लोग सभी से क्वेश्चन है, इंडिया में टैलेंट की बात सभी करते हैं, बहुत टैलेंट है,
फिर कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जो क्लासेस है एक्टिंग वाइज, एक्टिंग किसी के भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रोडक्शन जो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे नॉर्मल जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इस पर क्या टेक है? ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए हम वही कह रहे हैं ना कि हम मुंबई में रह के ही, देखिए हम छलावा नहीं देने वाले हैं किसी को कि आप आइए मुंबई आइए हमसे सीखिए हम आपको काम दिला रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि हम अपने खुद की, इसके साथ साथ हम अपने खुद की एजुकेशनल फिल्म बनाने की बात सोच के बैठे हुए हैं कि हम स्मॉल शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, जो मोटिवेशन बेस्ड होगा, ये हम करना चाहते हैं। तो जो इस लायक होंगे कि उसमें आए, जो लायक होंगे इसमें आ सके, पार्टिसिपेट कर सके, उनको ज़रूर उसमें मौका दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ऑलगा फैशन रनवे है जिसमें बच्चे आ सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं मॉडलिंग का, फिर चाहे वो मेकअप के लिए वो, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ कर सके, राइट? सिर्फ चाहे वो एक्टिंग हो या मेकअप हो या एज एन द गेटअप हो या स्टाइलिंग हो, सिर्फ सीख के बैठ के उसको एक्चुअल पर्पस में कुछ नहीं लगाने से कहीं ना कहीं जंग लग जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो वो इस तरह की प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे एक्चुअली आप कुछ कुछ कर सको, जहाँ पे हम अपना खुद काम करेंगे, जिसमें हम कोई ये नहीं बोल रहे कि हर एक को वो जगह मिलेगी, जो कर पाएगा जो उसके लिए लायक होगा वो अवश्य उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उस हमारे पर्सनल शो की बात कर रहे हैं, हम कहीं और जाके उनको काम दिलाने की प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है भी नहीं, होता भी नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो। आर यू प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर रूरल एरियाज यू हैव ब्रॉट दिस अप, सो वी डू विश दैट वी ग्रो सो बिग दैट वी कैन जस्ट गो एनीवेयर मैन, इट विल बी सो वंडरफुल। अभी तक कोई वर्कशॉप ऐसी रूरल एरिया में की है? हमने नहीं किए, हम तो ये पहला ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए हैं। अच्छा, सिर्फ आइडिया है? हाँ, जो कि इंशाल्लाह 3 हफ्तों में प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो सकता है। नहीं, इसमें हमारा एक शो पहले हुआ भी है, ऑलगा फैशन रनवे शो हुआ है, वर्कशॉप्स एक मिनट, वर्कशॉप्स आराध्या जी ऑलरेडी कर चुकी है, 13 दिन का वर्कशॉप उन्होंने किया था मुंबई में, सॉरी रूरल की बात कर रही हूं, रूरल एरिया में, जहां से अगर हमें लगेगा कि पटना से 15 बच्चे हैं और हम वहाँ पे जाके उनको कुछ सिखा सकते हैं तो हम जरूर जाएंगे। आप उसकी फीस लेंगे या उनसे फीस लेंगे, कुछ ऐसा है? ये डिपेंड करता है कि हमारे साथ कौन है, उन बच्चों के साथ कौन है, और ये एक कोलैबोरेशन है, तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और मिलके बढ़ते जाएंगे। And no, it is not going to be very expensive. ये एक हमारा प्रॉमिस है। It's a very nominal thing. Yeah. और ये जो है, और ये अगर ये वर्कशॉप के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं तो जैसे मैंने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और पटना में बहुत साल पहले किया था, तो कोर्स कर लिया और फाइनल में एक ड्रेस भी बना के एक मिस इंडिया को पहना भी दिया, बट उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी इतने सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं, नो आप जब 1-to-1 सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है कि एक सेलिब्रिटी को कैसे हैंडल करना है, सीन के हिसाब से कैसे ड्रेस तैयार करनी है। जैसे कि जया मैम ने बोला कि हम छोटी छोटी फिल्में भी बनाने वाले हैं, तो उस फिल्म के हिसाब से अपनी ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सेलिब्रिटी के अपीयरेंस के हिसाब से ड्रेस, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है कि आप एक सिर्फ क्लास में बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं और एक ड्रेस तैयार कर दिया कि एक साल के कोर्स में आपको 4 ड्रेसेस तैयार करने हैं, 4 से वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज के साथ मिलके 1-to-1 एक वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम उन बच्चों को वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब कुछ A-to-Z यहाँ पे आके शुरू से लेकर के एक मुकाम तक पहुँचने तक का उनको रास्ता हम दे सकें, ये हमारा कोशिश है। पिछले शो में भी स्पॉन्सर्स किया था हमने, पटना के जो दो स्टूडेंट थे उनके पे उनको फैशन डिजाइनर बनना है, मैंने उनको बनना था, लेकिन उनके फादर को चाहिए था कि उसको इंजीनियर बनना है। बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, नेहा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नेहा मारदा, उसने कहा चलो ऑडिशन ले लो। 3 मॉडल्स पटना से आए थे, पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी वर्कशॉप देखी, हमने 3 डेज का वर्कशॉप यहीं ऑर्गेनाइज किया था और
पहली बार उन्होंने देखा कि जिंदगी ऐसी नहीं होती है। आदमी ने जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनका अप्रिसिएशन हुआ, तो उनके पेरेंट्स भी इतने हैप्पी हुए। उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम तो अच्छा काम कर रहे हो। पहले उनको लगता था कि दर्जी वाला काम बोलते थे कि मेरे पापा बोल रहे दर्जी वाला काम करोगे, लेकिन हम लोग चुपचाप है ना एडमिशन उन्होंने नियुक्त मिल गया था। उनको बोलते थे कि हम लोग इंजीनियर कर, गाँव के लोग उतना समझते नहीं है, लेकिन जब वो गए यहाँ से, उनके फोटो छपे, उनको हाईलाइटिंग मिली, तब उनके पेरेंट्स को समझ में आया और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश से जिनमें जया जी हैं, श्वेता है, श्वेता छोटी छोटी फिल्में मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई है। स्टेबलर के लिए मैंने काम किया, मैंने गुब्बारे मूवी बनाई है, लाइफ जिंदगी लाइफ इन मुंबई बनाई है, क्योंकि जो जिंदगी हम मुंबई में जीते हैं, जो स्ट्रगल है यहाँ सबके साथ, मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों के डिस्प्लिट कर रही हूँ, और ये लोग क्योंकि मेरे साथ हैं तो वो थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं, जानते हैं, अगर ये कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं। या तुम उसको या एक्चुअली मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगी। आपने कहा कि एक लड़की को करना था और उसके डैडी को लगा कि दर्जी वाला काम है, तो मैं ये कहूँगी एक कोटेशन है जिससे मैं लिव बाय करती हूँ, जो है इग्नोरेंस इज नॉट क्यूट। सो हम काफ़ी चीज़ों में पढ़े लिखे होने के बावजूद हम काफ़ी चीज़ों में इग्नोरेंट हैं, एंड इग्नोरेंस इज रियली नॉट क्यूट, बिकॉज आप अपने बच्चे का भविष्य अपने इग्नोरेंस के हिसाब से यू नो आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो इट्स बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इग्नोरेंट ना रहे, जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उन चीज़ों को जज करने के पहले एक बार जाँच लें, उस चीज़ के बारे में कुछ समझ लें। सो या एंड सेकेंड थिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट आजकल जहाँ पे भी क्लासेस होते हैं वहाँ पे प्रोमिसेस पहले होते हैं और क्लासेस में क्या सिखाते हैं वो सेकेंडरी होता है। सो एंड ऑल्सो द मेन गोल ऑफ मोस्ट ऑफ देम इज हाउ टू सीक बिजनेस, हाउ टू गेट मैक्सिमम मनी। यहाँ पे वो प्रायोरिटी नहीं है कि हमें कितना बिजनेस करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी है टू गिव द प्लेटफॉर्म, एंड हियर द प्रायोरिटी इज टू give an opportunity to the deserving candidates. कई बार ऐसा होता है कि फिर चाहे वो looks की बात हो, like we are including makeup, hair, styling, etc. एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाओ अपने मन की पहनो दूसरे के मन की, क्योंकि चलन ये है कि जो भी चल रहा होता है वो हम पहन ओढ़ के निकल जाते हैं, भले ही हम अच्छे लगे ना लगे, क्योंकि हम एट टाइम्स अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। हो सकता है कि जो अगले के कम्प्लेक्शन पे अच्छा लग रहा है वो हमारे कम्प्लेक्शन को सूट ना करे, यू नो। ये जानकारी तक होना बहुत ज़रूरी है, किसी के ऊपर सफ़ेद रंग बहुत फंपता है, किसी को एकदम अजीब कर देता है, तो इस प्रकार की भी नॉलेज जिससे कि हम खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आप को लेके, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया, इवन दो मैंने इतना कुछ जिंदगी में, मुझे जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज इन लुक्स वगैरह के वाइज कभी नहीं था। मैं अपने आप को जंगली ही मानती रही हूँ और सबसे मज़ा मुझे आता है एक ऊपर टर्टल बांध के निकल जाओ जहाँ, बिकॉज मेरे लिए वर्क इज मोर बेटर, मतलब मोर इम्पोर्टेंट दैन माई लुक्स, बट Looks also matter very much. और वो looks actually सही तरीके से कैसे आएंगे उसका भी ज्ञान होना जरूरी है, वो भी ज्ञान लेकर हम तुम्हारे मुझ में मेरे यकीन मानिए पिछले एक साल में जिन्होंने मेरे लेटेस्ट इंस्टा के फोटोग्राफ दिखे होंगे जिसमें मैं बहुत बेहतरीन सी दिख रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो ये है इतने कहीं तुम पहनो तो सही। आई वाज लाइक पागल है क्या, मतलब मैं ये पहनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगूंगी, बट आई वाज माय सेल्फ श्योर बिकॉज हाँ मैं बहुत अच्छी लगी थी। That's what is stylish too. Yeah, exactly. I mean, मुझे अपने पे यकीन नहीं था, उन्हें यकीन था। आराध्या जी तो एक्सपर्ट है। Yeah. वो आपकी नहीं बनी। That's why I believe it. हाँ. Yeah. हाँ. मेरा एक नया रूप खड़ा किया उन्होंने। So, के जितने भी आउटफिट थे यहाँ तक शिवांगी ने भी नहीं पूछा था कि आप क्या बना रहे हो, ना जिया ने, ना अंकिता शर्मा, किसी ने नहीं पूछा।
इतने अच्छे वीमेन का ब्लॉग लाके स्टार्ट करा एक वीमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम एक्स्ट्रा भी करती हूँ साथ में कि आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप वर्क कर सकते हैं। वर्क का मतलब या कॉन्फिडेंस है, आपके टैलेंट से ब्यूटी कहीं भी मैटर नहीं करती है, खूबसूरती एक समय के बाद खत्म हो जाती है, टैलेंट की बदौलत ही आप अपने स्टेज पर खड़े होते हैं। उस वक्त मैंने सबके डिजाइन किए, किसी ने भी पूछा भी नहीं कि आप क्या डिजाइन कर रहे हो। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों ने कभी ने पूछा नहीं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि हमें पता था कि हम कुछ अच्छा ही पहनेंगे। मुझे आई वाज जस्ट जब मैं इनसे बात कर रही थी तब मुझे से पूछा गया था जी यार तुम्हें पिंक पसंद है ज्यादा या तुम्हें लैवेंडर पसंद है, तो मैंने कहा लैवेंडर बिकॉज पिंक तो हम जनरली पहनते हैं। आई वाज सो शॉक, इन्होंने मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लैवेंडर घाघरा चुन्नी बनाया था बिकॉज शादी में संगीत में जनरली हम कलरफुल पहनते हैं, यू नो ब्राइट पिंक एंड येलो एंड ऑरेंजेस एंड ग्रीन्स एंड रेड्स, बट लैवेंडर घाघरा चुन्नी समथिंग दैट यू नो आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू वेयर एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर बिकॉज ऑफ हर एंड आई रिमेंबर जया जी एंड अस टेकिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल, ऑल द ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और हम बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ बहुत सारे कॉजेज से भी जुड़ रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन है, हम उन सारे सब्जेक्ट पर छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं खुद गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ स्वच्छ भारत मिशन पर, नमामि गंगे की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो हमने ये डिसीजन लिया कि क्यों नहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी करें अपने आसपास को बेटर बनाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम छोटी छोटी फिल्में बनाएंगे जिससे कि पब्लिक में अवेयरनेस आए, हम वुमेन को एम्पावर कर सकें, बच्चों के एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये हमारा थॉट है। एंड ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम इज वन वी आर कमिंग अप विद, ऑल इंक्लूसिव विद एवरीथिंग। श्वेता तुमसे एक प्रश्न है। यस, स्वच्छ भारत के मैं मुंबई में देखा जगह जगह कूड़ा है, कहाँ दिख रहा है स्वच्छ भारत? मैम जब भी मुझसे, मैं इस प्रोग्राम से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हूँ और जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि ये किसी एक का काम नहीं है, और हम इंडियंस इतनी यूज टू है ना सवाल पूछने के, हम काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कचरा, ये इतना कचरा है, लोग साफ नहीं करते, लोग क्यों करेंगे आपका कचरा? इस पर ही तो मैं काम कर रही हूँ, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, और यही चीज मैं सबको बोलना चाहती हूँ। गलत कह रही हो, बीएमसी का हजारों करोड़ रुपए का बजट है, कहाँ चला जाता है वो? मैम एक एक जिम्मेदारी किसकी है? सफाई करे जिम्मेदारी तो लोग करेंगे, और ऐश करेंगे तो नेता करेंगे, क्या बात कह रही हो? मैम देखिए, ये पॉलिटिकल और बीएमसी ये ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में मैं अपना काम कर रही हूँ। नहीं, मैं तो एक क्वेश्चन कर रही हूँ ना, आपसे उसको जवाब दो। मैं यही तो बता रही हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। आज मैंने 650 लोगों को एक काम पे डाल दिया है कि आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी। अगर 600 लोग अपनी कुछ कचरे की जिम्मेदारी लेंगे तो वो 600 लोग जो बीएमसी तक जो कचरा पहुंचाएंगे वो सेग्रीगेटेड पहुंचाएंगे, सूखा कचरा, गीला कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। और जब हम अपना अपनी तरफ से योगदान देंगे ना, तो बीएमसी अगर भाग भी रही है तो हम उनका गला पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे तो हम किसी पे, क्योंकि लोग बोलते हैं आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, प्लास्टिक फेंक रहे हो, प्लास्टिक जाके नाले में फंस रहा है, इसलिए बॉम्बे में बाढ़ आ गया। बीएमसी से हम सवाल करते हैं, बीएमसी बोलता है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं लेकिन लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हो रहा है। कागजों में एजुकेट कर रहे हैं, उसके नाम से बजट आता है। मैं तो लोगों के बीच में, मैं रूरल एरिया में जाकर के भी लोगों को बता रही हूँ। मैं एक ऐसे गाँव में जाती हूँ, यहाँ पे सोनल पाड़ा गाँव है करजत में, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ के 120 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है, उनके पूरे 1 साल के एजुकेशन का खर्चा मैं उठा रही हूँ, मैं उनको एक बेसिक लेवल से लेकर के एजुकेशन के एक अच्छे लेवल तक एजुकेट कर रही हूँ। तो देखिए, जो मीडिया में या पेपर में जो इंडिया दिखाते हैं, सबको पता है कि इससे डिफरेंट, तो हमको उस जो की जो सच्चाई है उस नींव को मजबूत करने के लिए हम आए। और जब अच्छे मतलब मजबूत औरतें सामने आती हैं ना, तो कुछ अच्छा ही आता है। तो हमने ये मिशन लिया है कि हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा करेंगे। हम इस बात स्वच्छ भारत की, तो अगर मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है,
हम अब्रॉड गए थे घूमने के लिए, जहाँ हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, कहीं कुछ नहीं देखना, कहीं कुछ नहीं थूकना आदि आदि। मैं और मेरे दोस्त थे साथ में, वापस इंडिया आए और गाड़ी निकाल के एयरपोर्ट से जैसे ही हम गोरेगांव वाले फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेने लगे स्टेशन की तरफ, मेरे दोस्त ने खिड़की के बाहर थूका। आई वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज़ इट्स इंडिया, तो इट्स ओके। मुझे बहुत झटका लगा, मतलब वहां चूंकि आपको डर था कि आपको दंड आप दंडित होंगे, इसलिए आप बाहर की जगह जाके बड़ी साफ सफाई करता आपने, लेकिन अपने देश में आने के बाद पहला काम आप करते हो, आप थूकते हो अपने देश में, अपनी जगह की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, जिससे मुझे सख्त प्रॉब्लम है। और मैं ज्यादातर लोग करते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगी, महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है और उस पर जुर्माना है, आप में से इतने लोग बताइए कि कौन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करता। ये बताओ, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करो, जो भी यूज कर रहे हैं उसको पेनल्टी लगाओ, सारे यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबको एक तरफ से सारे 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 नो प्लास्टिक, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं खुद आई वर्क विद एनिमल्स, आई वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, सो मैं स्पष्ट बता रही हूँ सबको कि प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट ही क्यों ना हो, मत इस्तेमाल करो। घर पे कुछ पका के दे दो बच्चों को भाई खाने के लिए, आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो भाई। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, सरकार, हम तो पॉलिटिकल पार्टी की बात क्या बीएमसी क्या कर रही है, हमारा मुद्दा ये है कि हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अपने घर परिवार से अगर एक दुनिया होती है, अगर आप दो बच्चों का भी जीवन संवार सकते हो, अगर दो महिलाओं का भी कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो, तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात। एक्चुअली ऑल इन ऑल हम सब अगर मिलके ये साथ में जिम्मेदारी ले, मतलब ये चलो तुमको अलॉट कर दिया ये काम, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड स्टार्ट विद अस, इवन दो समबडी इज बीइंग पेड फॉर डूइंग समथिंग। आई एम सेइंग इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस। हमें देख के अगर पांच जन के बदले दो भी जन इन्फ्लुएंस हो गए, बिकॉज बीइंग एक्टर्स वी हैव सम इन्फ्लुएंसिंग पावर, सो वी वुड लाइक टू यूज इट इन अ गुड वे। लाइक आई चैट विद माय फैंस समटाइम्स ऑनलाइन एंड यू नो दे आस्क मी, यू नो व्हाट डू यू डू इफ यू आर ट्रैवलिंग, आप कार में कहीं पे जा रहे हो, कहीं ऑटो स्टेशन जा रहे हो, सो आप जो चिप्स का पैकेट खाते हो उसका क्या करते हो? तो मैं कहती हूँ मेरी कार में एक बड़ा सा बैग है जिसके अंदर मैं सब कुछ डंप करती हूँ, आई डो नॉट थ्रो थिंग्स आउटसाइड एंड आई हैव फैंस हु फॉलो इट। So I would like to say, blame करना ये इसकी responsibility, उसकी responsibility, blame करना बहुत आसान है। I'm just saying that, you know, let's come together, जितना हम अपने तरह से 100% दे सकते हैं, let's just do it, दूसरे का हम responsibility ले नहीं सकते, and we shouldn't spoil our space because of what others are not doing. So do your bit, instead of, you know, thinking वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, do your bit, and I think अगर सब अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।